वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स स्टडी टाइम। सो फ्रेंड्स, आज हम जो करने जा रहे हैं वो आज हम ये आपका क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि 2018 में पूछा गया था। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन है वो किसका है, वो है आपका 2018 का। ठीक है, ये आपका 2018 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का, जो आपसे पूछा गया था पेपर में। तो आज हम इस क्वेश्चन को देखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे कि कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो और बता रखी है, उसमें मैंने आपको पूरी डिटेल्स में बता रखी है क्या क्या फॉर्मूला होता है और इसे कैसे कैसे करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप सबसे पहले मेरी वो वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे उतना डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी, जस्ट मैं शॉर्ट में आपको ऊपर ऊपर से बताऊंगी फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊंगी, जस्ट मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो ये है हमारा क्वेश्चन जो कि 2018 का है। तो इसमें हमें ये सब गिवन है, जो कि हमें कंजम्पशन दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखी है, टैक्स दे रखा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है, ट्रांसफर पेमेंट भी हमें दी गई है इसमें, और डिमांड फॉर मनी दे रखी है, और नॉमिनल सप्लाई दे रखी है, और प्राइस दे रखा है हमें 3। ठीक है, ये सब हमें दे रखा है और हमें निकालना क्या है, हमसे बोला गया है इक्विलिब्रियम इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें इक्विलिब्रियम इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, फिर हमें क्या करना है, बजट सरप्लस कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में। ठीक है, यहाँ का इसका मतलब है इक्विलिब्रियम, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है। और थर्ड आपको निकालना है कि इफ जी इंक्रीजेस बाय 50, जी दैट मीन्स आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है अगर इंक्रीज हो जाता है किससे, 50 से, तो व्हाट इज द न्यू लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आपके इन्वेस्टमेंट का न्यू लेवल क्या होगा। ठीक है, तो ये है पूरा आपका क्वेश्चन। तो चलिए हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे करेंगे अपना सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमें, जैसे कि हमें पता है कि क्या करते हैं, हम इसको y इक्वल टू at के रखते हैं। ठीक है, और at हमारा क्या होता है, at इक्वल टू c प्लस i प्लस g, आपका कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, ये होता है, तो ये आपकी ad की वैल्यू आ गई। और इक्विलिब्रियम कब होता है, गुड्स मार्केट में, जब y इक्वल टू ad होता है। ठीक है, तो हम इसमें पहले वैल्यू पुट करेंगे, तो y की हम यहाँ पे y लिख देंगे, ad की हमें c प्लस i प्लस g दे रखी है, तो हमें c की वैल्यू क्या दे रखी है, तो ये देखिए इस क्वेश्चन में c हमें दे रखा है 10 प्लस 0.8 yd, yd है। तो मैंने यहाँ आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि yd का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, इनकम माइनस टैक्स प्लस में ट्रांसफर पेमेंट्स, जो भी हमें पेमेंट्स मिली होती है वो। तो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं लिख रही, सिंपल सा लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो सी हमें जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 10 प्लस में 0.8 yd, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 10 प्लस में 0.8, हमें यहाँ पे yd दे रखा है, तो yd की जगह मैं ये लिखूंगी। ठीक है, y माइनस t हमें दे रखा था, ये देखिए 0.25 y, और tr हमें दे रखा है 50, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी माइनस 0.25
25i और इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी हमें ये देखिए दे रखी है, हमें नॉमिनल सप्लाई दे रखी है जबकि हमें क्या चाहिए होता है रियल सप्लाई, ठीक है। और रियल सप्लाई हम कैसे निकालते हैं, नॉमिनल सप्लाई डिवाइड बाय आपका होता है 3, ओके। तो ये 1200 है डिवाइड बाय हम 3 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 400, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल एज इट इज लिख दे रही हूँ क्या आपका 400, ओके। तो ये इक्वेशन आपकी आ गई सेकंड, ठीक है। सेकंड आप इसे मत कीजिए, आप 0.4 y i को आप उस साइड ले जाइए, 400 माइनस 25 i, ये आपकी हो गई इक्वेशन सेकंड, ओके। तो फर्स्ट और सेकंड को आपको कंपेयर करना है, तो जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कैसे कंपेयर करते हैं, आप आई बटन में जाके देख लीजिएगा उस वीडियो को। तो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 है, तो हमें इसमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, तो हम लिख देंगे सिंपली। तो ये देखिए मैंने ये लिख दिया है फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, इसे सॉल्व करेंगे ये आपका कट जाएगा, यह आ जाएगा आपका 0.8 y = 1000। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका y इक्वल टू क्या आएगा, तो आपका आ जाएगा 1250 आपके आ जाएगी क्या, आपके आ जाएगी इनकम। तो इनकम आपको पता चल गया, इंटरेस्ट रेट आपको निकालना है। इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये जो इनकम की आपकी ये जो वैल्यू आई है इनकम की, उसे वैल्यू किसी पे भी पुट कर दोगे, तो मैं उसे यहाँ पे पुट कर देती हूँ इस आई की जगह, ठीक है। तो ये देखिए मैं इस सेकेंड वाली इक्वेशन में आपकी वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो ये आपकी वैल्यू मैंने पुट कर दी है। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए ये हमने सॉल्व किया तो आपकी ये वैल्यू आ गई, फिर हमने ये किया तो आपका आई आ गया, जो कि आपका है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ गया 4%, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम डन कर चुके हैं, जो हमसे फर्स्ट पूछी गई थी वो हम कर चुके हैं, इक्विलिब्रियम इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ अब हमें क्या करना है, बजट सरप्लस कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में, ठीक है। तो बजट सरप्लस जैसे कि आपका होता है PS, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ओके। तो आपके बजट सरप्लस का फॉर्मूला होता है टैक्स माइनस ट्रांसफर पेमेंट, जितनी भी आपको पेमेंट मिली है, और लेस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है। तो टैक्स हमें दे रखा था 0.25 y, माइनस ट्रांसफर पेमेंट हमें दे रखी थी 50, और गवर्नमेंट था हमारा एक्सपेंडिचर 250। तो y की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे अपनी इनकम की जो हमारी आई थी, जो कि थी 1250 माइनस 50 माइनस 250। तो आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 12.5, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो बी पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। नाउ सी पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो ये देखिए सी पार्ट हमें क्या कहा गया है कि जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है कितने से, 50 से, तो हमें बताना है न्यू लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए हमें न्यू लेवल ऑफ इनकम नहीं बताना, न्यू लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बताना है, ठीक है। तो न्यू लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बताना है, तो न्यू लेवल इन्वेस्टमेंट बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पे फिस्कल मल्टीप्लायर का। क्या यूज करेंगे, फिस्कल मल्टीप्लायर। बेसिकली हम फिस्कल मल्टीप्लायर, मैं यहाँ इसे FM से डिनोट कर रही हूँ शॉर्ट में, इसका हम यूज करेंगे। तो चलिए यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसका फॉर्मूला, कि फिस्कल मल्टीप्लायर का आपका फॉर्मूला क्या होता है। तो फिस्कल मल्टीप्लायर के बेसिकली आपके दो फार्मूलेज होते हैं, FM लिखती हूँ मैं यहाँ पे, दो फार्मूलाज होते हैं आपके। इसका फर्स्ट होता है आपका एच ए जी अपॉन एच प्लस में के बी ई जी अल्फा जी, नॉट ए जी, इट्स अल्फा जी एट इक्वल टू, इसका ये फर्स्ट फार्मूला है। और ये है इसका सेकेंड फार्मूला, दैट इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा जी, ठीक है। तो हमें इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए सबसे पहले निकालना होगा डेल्टा वाई, ठीक है। डेल्टा जी हमें पता है, हमें डेल्टा वाई निकालना है, फिर हम जाके क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट निकाल पाएंगे। तो आपको सबसे पहले निकालना होगा इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले हमें क्या गिवन है, सब कुछ हमें ए जी अल्फा जी निकालना है पहले। अल्फा जी क्या है आपका, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जो चेंज हो रहा है वो मल्टीप्लायर है। चेंज कितने का हो रहा है, 50 का। तो ये आप फॉर्मूला याद रखिए, अल्फा जी का फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीप्लायर का 1 upon में 1 minus c into 1 minus t आपका टैक्स, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे, तो 1 upon में 1 minus c
यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 - 0.25y, ठीक है, ये आ गया आपका। तो आपको जनरली क्या करना है, इसे करना है सॉल्व, इसे आप करते सकते हैं क्वेश्चन से भी। तो जैसे 1 - 0.25 तो आपका आ जाएगा 0.75, तो देखिए 0.75 इंटू में हमारा 0.75 और इंटू में हमारा हो गया 0.8, ये कितना हो गया 0.6 हो गया, और माइनस कर देंगे 1 तो 0.4, ये हमारा क्या आ जाएगा 1 / 0.4। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.5, ठीक है। 2.5 हमारा क्या आ गया, एज आ गया। तो हमें फिजिकल मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला था वो क्या है, एच ए जी अपॉन में एच के बी ए जी, ठीक है। तो ये ए जी तो आ गया, अब एच और के और ये बी कैसे आएगा, तो ये जस्ट आपका एक फॉर्मूला ही है, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में, जो कि जैसे कि हमें पता है इन्वेस्टमेंट जो होती है, जो कि आई इक्वल टू होती है आई बार माइनस बी आई, यही होती है। और क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है वो क्या वैल्यू दे रखी है, 300 - 25i, ठीक है। तो इससे हम पता लगा लेंगे, तो ये बी वाला हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो बी इक्वल टू इधर से निकल के आ जाएगा हमारा 25, और फिर अब एच और के कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा एल एम कर्व से निकालेंगे, क्योंकि एच जैसे कि मैंने आपको आई एस एल एम मॉडल वाले में बताया था क्या कि एल एम का आपका फंक्शन क्या होता है, तो एल इक्वल टू आपका होता है 0.4y - 25i, ये आपको गिवन है। बट बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो होता है के वाई माइनस एच आई, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये कैसे आया ये जानने के लिए आपको आई एस एल एम मॉडल की वीडियो देखनी होगी, वो मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। तो ये फॉर्मूला आया, तो ये दे रखा है, तो आपको के की वैल्यू जाहिर सी यहाँ से पता चल जाएगी। तो के इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.4, और ये एच एच आई होता है तो आई एस टी से, तो एच इक्वल टू आपका आ जाएगा 25, ठीक है। ये तीनों वैल्यू अब हमें पता चल गई है, अब हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया एफ एम का, जो कि था एच इंटू ए जी। तो एच है हमारा 25 इंटू ए जी हमारा निकला 2.5 डिवाइड बाय एच जो कि 25 है, प्लस कर देंगे के, के कितना आया हमारा 0.4 इंटू बी आया है हमारा 25 इंटू में ए जी, जो ए जी है वो हमारा 2.5 आया है, ठीक है। नाउ आप इसे करेंगे सॉल्व, तो ये देखिए कैसे करेंगे, पहले आप ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे 25 इंटू 2.5, ठीक है, क्या आया आपका 62.5, यहाँ आप लिख देंगे 62.5 डिवाइड बाय, पहले आप ये इंटू वाले को सॉल्व कर लीजिए, जो कि है आपका 25 इंटू 2.5 इंटू 0.4, ये आपका आ गया 25, और यहाँ पे ऐड है 25, तो ये आपका आ जाएगा क्या 50। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, 62.5 डिवाइड बाय 50, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 1.2।